इसमें अंतर है, उनसे ऊपर उठना है। कांग्रेसमैन इन्वॉल्व, सम कांग्रेसमैन प्रोबेबली वर इन्वॉल्व। चौरासिया वाला दर्द पूरा कर नहीं, ओना दे उधर नमक छिड़क दिया, नमक 587 FIR टोटल रजिस्टर हुए, उसमें से 241 FIR पुलिस ने खुद ही बंद कर दिया एज अन केस। दिल्ली पुलिस जो है मूक दर्शन बनी रही, उसने रोकने का भी प्रयास नहीं किया, एक गोली नहीं चलाई किसी को। The death toll of block 32 Trilokpuri alone, it's in fact more than the death toll of Jalanwala Bagh massacre. पुलिस जो है वो इनएक्टिव है या काम, वो तो हमारे एक्शन से जब शुरू से काम चलेगा। पहले दिन ज्ञानी जैल सिंह को गाड़ी पे अटैक हुआ, कोई अरेस्ट हुई? कोई अरेस्ट नहीं हुआ। हु इज रेस्पॉन्सिबल? ज्ञानी जैल सिंह तो सबसे बड़ा है, उसकी गाड़ी पे पत्थर फेंके, उसको नुकसान हुआ गाड़ी को, तो कुछ हुआ क्या? कुछ नहीं। ये दीज वर थिंग्स जिनसे लोगों को इम्प्रेशन गलत गया। मतलब मेन यही रहा कि लोग जानबूझ के पब्लिक के बीच में इम्प्रेशन गलत दिया गया राइट, बिल्कुल ठीक बात दिया गया कि पुलिस से आप, और इसके लिए फेवर सही बात है कि कांग्रेस गवर्नमेंट जिम्मेदार है। बिल्कुल बिल्कुल। और हायरअप्स जो हमारे अबार का से कोई कहे कि शूटर साइड, भाई तुमने मारा कोई? खुद तुम्हारा नहीं, सारे आदमी तुम्हारी आंख बंद थी, धुआं भी उठ रहा था सारी दिल्ली में, आप लोग सड़क पर गुजर रहे थे तो गड़बड़ भी हो रही थी, खबर भी आ रही थी तुम्हारे कानों में, तुमने किसी, तुम्हारे पास तो एक प्लाटून फोर्स रहती थी, कमिश्नर के पास तो दो दो प्लाटून, एक ट्रक भरा रहता था पूरा, वो भी गया बंगला साहब को, किसी को मारा? किसी ने जाटव ने मारा किसी को? मतलब ये तो वही कह रहा हूँ, फ्रॉड है सारे। गवर्नमेंट ने एक चीज बना दी, वो अपना सबको कर देगा, वो मतलब पास टाइम है कि भाई लोगों की अटेंशन डाइवर्ट हो जाए। बिल्कुल, और कुछ नहीं है उसका। यही कंक्लूजन है कि भाई ऊपर से गवर्नमेंट की इंटेंशन थी कि भाई कुछ नुकसान सिखों को पहुंचना चाहिए, उनको कुछ ना कुछ बीटिंग होनी चाहिए, और फोर्स इसीलिए इसी इंप्रेशन में जाने अनजाने में ऊपर वालों ने फोर्स नहीं भेजी, समझे? पुलिस हेडक्वार्टर में डॉक्यूमेंट है, एंटी रॉयट स्कीम है, एक रेट डाउन स्कीम है। हाँ, आपस में तो मेरा मतलब ये है कि वो बस कम्युनिकेशन हो जाता। अच्छा, बहाना भी था कि ज्यादातर फोर्सेज में इंदिरा गांधी के उसमें या सिक्योरिटी वीआईपी आने वाले हैं या तो उसमें सारे फोर्सेज, लेकिन इतनी फोर्सेज है हमारे यहाँ, जैसे 2 तारीख को भी जो भेजी मिलिट्री, वो कहाँ से? 2 तारीख को कहाँ से आ गए? सही बात है। मेरा कहने का मतलब यह है, वो जान पूछ के 2 दिन उन्होंने अवॉइड किया गवर्नमेंट के असर। हमने भी किए हैं, हमारे रिपोर्ट में लिखे हैं, हमने टोटल एरिया में 2 दिन में 50 बार किए, भाग जाते थे पर यही तो भाग जाते थे। यहाँ से हाफ हाफ किलोमीटर आगे की बात करो या हाफ किलोमीटर की बात करो, वहां क्या करोगे? सिंगल सिपाही नहीं कर सकता, बल्कि मैं तो ये कहूंगा, इसे मुझे कोई संकोच नहीं कहने में, हमारे पुलिस मैन भी यही लोकल लोग थे, वो भी कम्युनल माइंडेड होंगे, मुझे इसमें संकोच नहीं कहने। देखिए, हम सब दयाल से हैं, जैसी जैसी सोच आम जनता की होगी उन्हें बहते देर लग। अभी आप प्रैक्टिकली देखिए, वायरलेस कंट्रोल रूम में जाकर बैठिए, इसलिए कहूँगा कि आपको समझ में आएगी प्रैक्टिकली, और इस समय तो बहुत ही बवाल मचा हुआ था। हमारे श्रीमान जी ने तो, हमारे एसपी ने तो वायरलेस लोग मुख्य निकाले। अच्छा, उनमें कुछ ऐसे मैसेज थे जो उसको ले बैठते, या आप चंद्रशेखर जी जो थे, चंद्र प्रकाश, ऑपरेटर ने बताया मुझे कि दफ्तर में बैठा कर उनका चयन कराई। तो उसमें क्यों, मतलब अभी बताओ, जब मैं जो कह रहा हूँ कि मुझे फोर्स चाहिए, फोर्स नहीं आएगी तो मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, वो तो कहता जो आपके पास है उसे बुझा करिए, कोई फोर्स नहीं मिलेगी। अब देखिए, लालबंती चौराहे पर एक सरदार घर तोड़े थे, वो बड़ा वेल टू डू फैमिली है, बाई चांस हमने एक प्लाटून वाला चौक बैठा दिया,
राजेंद्र नगर पटेल नगर करोल बाग अब ही बस वो अपने आप ही ऐसे दम में थे कि वो गाड़ी लेके खड़े थे वो ना टेकेंगे नहीं एक्शन उन्होंने केस नहीं रजिस्टर किए दबाने की कोशिश की कि तेरे इलाके में होगा कि इतना लंबे चौड़े राइड हुए उसको कोशिश की कम से कम करने की अपनी नौकरी बचाने के लिए और उठा के डेड बॉडी वहां फेंक दी सुल्तानपुरी थे उन्होंने डेड बॉडी दबा दी कई जगह पे केस ही नहीं दर्ज किया किसी का कोई कुछ कहता रहा कंप्लेंट भी नहीं ली तो ऑर्डर ये था कि जो कोई आपको कंप्लेंट देता है यू रिसीव इट एंड गिव हिम वो पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट की वजह से लोगों ने एक्शन नहीं लिया कईयों ने तो एसएचओ ही वही लगवाए होते हैं जैसे मेंबर पार्लियामेंट है तो इतना थोड़ा बहुत जैसे सज्जन कुमार जैसे का तो रसूख थे रसूख है इसका ये तो मिनिस्टर होता जी अजय माथे मुख पर क्या है ये अगर ये वायरस इसके मास्क पे फिंगर लगा हो ये तो कैबिनेट में मिनिस्टर रहता है जी सारी उम्र इसका तो कैरियर तो इसने अपना कॉयल किया है सर इसे सज्जन कुमार का इन्वॉल्वमेंट तो रहा होगा राइट में नो डाउट सज्जन कुमार के ऊपर तो केस चल रहा है मेरे ख्याल नहीं चल तो रहा है इसके भाई को वोट दिया था वो बनी कर दिया था पहले इनको दोबारा सीबीआई ने करके कोर्ट दोबारा हुआ उसके केस में एक केस और है इनके दो तीन केस चल रहे हैं इनके भाई एमपी बड़ा बिल्कुल अगर ऐसा था कांग्रेस अगर बिल्कुल साफ थी तो जो आदमी है उसके ही भाई बंद को क्यों दिया गया सज्जन को ही दिया जब मेरे भाई को दे दिया तो इस प्रोटेक्शन तो इनकी है सरकार की लेकिन दे आर नॉट इनोसेंट पीपल इसके पीछे तो पॉलिटिकल था कि जस्ट टू टीच ए लेसन के इन्होंने क्योंकि इमीडिएटली पता लग गया ना कि ये सिख कम्युनिटी है वो तो गार्ड ही थे सिखों ने ऐसे किया है तो टीच देम ए लेसन कांग्रेस पावर में थी कांग्रेस ने कहा टीच देम ए लेसन आपस में इन्होंने ये जरूरी नहीं है कि प्राइम मिनिस्टर ने कहा होगा तो ऐसे करो प्राइम मिनिस्टर तो पहली बात तो आपके एंगल से अब मैं बताता हूँ ये जितनी कमीशन बैठती है ये पॉलिटिकल होती है इनको जो गवर्नमेंट इन पावर होती वो फेस सेविंग के लिए बिठाती है एंड ये मैं नहीं कह रहा इट इज ए नोटोरियस फैक्ट ये सारे मीडिया भी आपको सब तरफ छपा हुआ मिलेगा इवन जब रंगनाथ मिश्रा बैठा था रोज अखबार वाले छापते थे कि ये कांग्रेस ने बिठा रखा है ये वो ये उनको उनके नेताओं को ऑब्जॉर्व करने वाले और पुलिस अफसर जितने थे जो इन्होंने बनाए ये बलि के बकरे थे सिंपल सी बात अपनी गलती छुपाने के लिए हाँ वो भी मैसेज आए इनके सबके लिए वो तो है और यहाँ तक क्या है कि जो ये लोग इंदिरा गांधी का रोष मना रहे हैं और जो ये इंदिरा गांधी जिंदाबाद करते नारे लगाए जो उनको कुछ कहा बना कहा जाते तो वो तो जो पत्थर मार रहा था वो इंदिरा गांधी जिंदाबाद कह के तो मार रहा था और क्या कर रहा था अच्छा ये मतलब ये ऑर्डर दिया ये भी है मैसेजेस बड़े मैसेज नाउ द पुलिस इज बिकमिंग द पुलिस इज बिकमिंग बायस्ड कास्टिस्ट एट द स्टेट लेवल ऑल्दो देयर इज नो डिस्टिंक्शन व्हाई इज इट बिकमिंग कास्टिस्ट कास्टिस्ट कहां से बन गया क्यों बिकॉज व्हेन यू हैव अ नॉन सेक्युलर पार्टी ruling for a long time and they want their kind of a police system so they induct their like-minded persons so the like-minded can be ab RSS se jo hai agar aa jate hain police ke andar ranks ke andar to provide employment so they are not going to function as the Congress unko kisi ko thodi pata tha na bahar se koi force jo hai na advocate force nahi thi bahar se jo outside force mangate hain jab koi जो है ना सिचुएशन इतनी खराब हो जाती है वो कहीं से आ ही नहीं पा रही थी आर्मी जो है ना वो बहुत लेट आई 3 दिन के बाद जो है ना उन्होंने बर्फाल किया तो सर ये और, अच्छा कॉल बाद में किया देर से कॉल किया था आर्मी को आर्मी तो जो है ना लेफ्टिनेंट गवर्नर ही बुला झूठ हुआ होगा कि यहाँ जहाँ हुआ तो एरियल में यहाँ इंक्वायरी हुई है तब मैं क्या बोलूँ इंक्वायरी का रिजल्ट पूछी क्या पता क्या इंक्वायरी हुई थी क्या क्या रिजल्ट आया था मैं तो चला गया था राजस्थान
इस तरह से फिर आपस में भी पुलिस वाले ही बीच में भड़काने वाले में जाते हैं। एक नाम नहीं बताऊंगा अभी आपको मैं, एक ऐसे प्रताप थे, मैं दूर भी मिला उनको, अच्छा दूसरे कानून से उनके यहाँ गए, वो सरदार के दुकान उकान से मुझे भी दुकान खोलनी हमने और हमारा कैश आप वो बेचारे हिम्मत करके चले गए रतन साहब के पास, ठीक कर दिया वो भी, उन्होंने फायर कर दिया वो, जला दिया दुकान को। ये इंसिडेंट उनके इलाके में हुआ और उनको मजबूर मिला। कौन से थे हमारे? एक दूसरे के बीच में अंतर है, उनसे ऊपर उठना है। कांग्रेसमैन इन्वॉल्वड, सम कांग्रेसमैन प्रोबेबली वर इन्वॉल्वड। 84 वाला दर्द पूरा कर नहीं, ओना दे उत्तर नमक छिड़क दिया नमक। 587 एफआईआर टोटल रजिस्टर हुई, उसमें से 241 एफआईआर पुलिस ने खुद ही बंद कर दिया एज अन केस। दिल्ली पुलिस जो है मूक दर्शन बनी रही, उसने रोकने का भी प्रयास नहीं किया, एक गोली नहीं चलाई किसी को। The death toll of block 32 Trilokpuri alone, it's in fact more than the death toll of Jalanwala Bagh massacre.